आज मसाला किचन में निकल रहा है दूध से घी। ये पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। ये तो आप भी मानते हैं कि घर का घी जितना प्योर होता है और कोई घी प्योर नहीं होता। तो यहाँ देखिए हम कैसे दूध से निकालें घर का घी। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का मैसेज आ पाए। अक्सर हमें लगता है कि हमें टोन मिल्क पीना चाहिए या चाय में भी टोन मिल्क यूज़ करना चाहिए, दही में भी, लेकिन हम क्या करते हैं, टोन मिल्क ही ले लेते हैं। हमें लेना चाहिए फुल फैट मिल्क जो है 6% फैट। कोई भी कंपनी का दूध हो 6% फैट हो उसके अंदर फुल फैट लीजिए और उसे इस तरीके से उबालिए। आज मैं आपको उबालना कैसे होता है दूध को, उसे कैसे हम पूरी रात रखेंगे और सुबह उसका पूरा का पूरा फैट निकालेंगे, उस फैट से हम घी निकालेंगे, ये सारा वीडियो आप पूरा देखें। यहाँ मैंने कच्चा दूध लिया है जिसे मैंने उबलने के लिए रखा है। हमेशा जब दूध आप बर्तन में रखते हो थोड़ा सा पानी नीचे जरूर डालिए जिससे वो नीचे लगे नहीं, और दूध जब उबले तब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करना। यहाँ देखिए दूध में पहला उबाला आना शुरू हुआ। अब गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए और 2 से 3 मिनट तक इसे पकने दीजिए और इसी तरीके से छोड़ दीजिए। करछी में मत डालिए और इसे छोड़ दीजिए बस। यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, दूध अंदर ही अंदर कर रहा है, उबल रहा है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने तक एक छन्नी से ढक दीजिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसे उठाकर रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। हाँ, तो दूध से घी निकालने का दूसरा स्टेप, दूध को हमने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया। अब हम इसकी मलाई निकालेंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं एक ऐसा झारा जो हर घर में होता है, इसको साइडों से इस तरीके से। आज आपने देखा कैसे मैंने दूध से मलाई निकाला। क्या आप इस तरीके से मलाई निकालते हैं? अगर निकालते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अब ये देखिए बिल्कुल रोटी जैसी मोटी मलाई निकल के तैयार हुई है। ये देखिए एक ही टाइम में पूरी मलाई मतलब दूध का फैट पूरा का पूरा निकल गया। जो हम 6% दूध में फैट लेते हैं वो पूरा का पूरा फैट इसके अंदर आ गया। 2 लीटर दूध है और उसमें जितना फैट है वो इसके अंदर है। यहाँ देखिए अब ये जो आपका दूध है इसमें कुछ अगर पार्ट्स रह गए हैं मलाई के तो वो भी ले लीजिए, वो भी इसके अंदर ले लेते हैं। अब ये जो दूध है ये टोन मिल्क है। अब ये टोन मिल्क है तो अब आप चाहे पीने में यूज़ कीजिए, चाहे चाय में यूज़ कीजिए, चाहे दही में यूज़ कीजिए, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं इसका यूज़ कीजिए। अब आपके पास 2 लीटर वही दूध भी है और आपके पास उसका फैट है जिससे हम बहुत बढ़िया घी निकालेंगे। तो ये इतनी मोटी मलाई आई कैसे? इसलिए कि हमने उसे 2-3 मिनट स्लो गैस पर उसे पकने दिया था। अब ये मोटी मलाई निकल चुकी है, 2 दिन की मेरे पास ऑलरेडी पहले है और मैं इस तरीके से फ्रिज में रख देती हूँ। ये भी मैं पलट के रख देती हूँ। अब ये 3 दिन की मलाई हो गई है, 4 या 5 दिन की मलाई होने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें से हम कैसे घी निकालते हैं। अब देखिए इसे तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीजर में नहीं, लेकिन अगर आपकी थोड़ी थोड़ी मलाई होती है, थोड़े दूध की निकालते हो तो हमेशा फ्रीजर में रखा कीजिए 15 दिन के लिए। पर क्योंकि मैं 1 वीक में ही पूरा डब्बा भर जाएगा तो मैं फ्रिज में रखती हूँ और ये मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, ना ही फंगस लगती है और ना ही किसी और कोई और प्रॉब्लम आती है। आप स्टील के डब्बे में भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखा आपने दूध को कैसे हमने उबाला, उसकी मलाई कैसे निकाली। अब ये मलाई 5 से 6 दिन की हो गई है, डब्बा पूरा फुल हो रहा है। अब इससे हम मिनटों में मक्खन कैसे निकालें। और ये देखिए इस मलाई में कोई स्मेल नहीं है और ना ही इसमें फंगस वगैरह लगी है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस मलाई को फ्रिज से 10 मिनट पहले निकाल लिया है। अगर आप फ्रीजर में रखते हैं, आपकी थोड़ी थोड़ी मलाई होती है, तो आप 1-1.5 घंटा पहले निकाल लीजिए। यहाँ मैं बताती हूँ आपको एक ऐसी ट्रिक जिससे आपको बहुत ही सरल तरीके से मक्खन निकल जाए। जिस बर्तन में हमने मलाई रखी है उससे थोड़ा बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसमें डालिए थोड़ा गर्म पानी। अब ये बर्तन इसके अंदर रख दीजिए। अब मलाई हमारी ठंडी है, नीचे है थोड़ा गर्म पानी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। बीटर है अगर इलेक्ट्रिक बीटर तो सिर्फ सेकंडों में
निकलेगा ये मक्खन, और अगर नहीं है तो इस तरीके से विस्कर ले लीजिए, विस्कर भी नहीं है तो फोक ले लीजिए, इसे सिर्फ इस तरीके से चलाना है। ये देखिए कुछ सेकंड लगे हैं और इसकी कंडीशन कैसी हो गई है, जैसे फटाफटा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है इसे हमें इसमें मक्खन बनाने में। कुछ मिनट लगे हैं, शायद एक से डेढ़ मिनट लगा है। यहाँ देखिए बिल्कुल ये मक्खन जैसा बन चुका है, हमें घंटों फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये गर्म पानी पूरा हटा देना है। कुछ आइस के क्यूब्स लिए और ठंडा पानी ले रही हूँ मैं, अब इसे यहाँ पर रख रही हूँ और इसे चला रही हूँ। इससे होगा क्या, ये जो बटर अभी बहुत सॉफ्ट है ये हार्ड हो जाएगा। यहाँ हमें एक आध मिनट इसे ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा। दो तीन मिनट में आपने देखा ये मक्खन जो है काफ़ी टाइट हो रहा है, और अगर आपको थोड़ा सा और टाइट चाहिए तो यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ और थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। लीजिए तैयार हो गया मलाई से मक्खन, बिल्कुल कुछ ही मिनट में। अब इसे हम निकालें कैसे, इसे हमें साफ नहीं करना है, इसे आप अलग रख दीजिए ठंडे पानी में। अब यहाँ पास में रखिए ठंडे पानी वाला एक और बर्तन, ये मक्खन है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। अभी आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अब इस मक्खन को ठंडे पानी में फिर से डालेंगे, क्योंकि हमें इसे वॉश भी करना है अच्छे से। अब देखिए ये मक्खन को हमने अलग कर दिया, इस दूध को हमने अलग करना है। इसका हमें क्या करना है, पहले मक्खन को हम वॉश कर लेते हैं। अब ये देखिए बर्फ़ के ठंडे पानी में ये अच्छा टाइट होता जा रहा है। अगर आपको मक्खन की ज़रूरत है तो एक बार और इसे वॉश कर लीजिए, और करीब करीब इसका वेट अगर करेंगे तो एक किलो से कम मक्खन नहीं है, पूरा एक किलो के आसपास तो है ही। अब इसे हम अलग रख लेते हैं। ये पानी जो है ये टोटल वेस्ट है, ठंडा पानी है, इससे कुछ नहीं करना है। अगर मक्खन है तो निकाल दीजिए और बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से गर्म पानी रखने से सिर्फ एक मिनट में आपका मलाई से मक्खन बनेगा। अब देखिए ये तो हमारा मक्खन निकल चुका है, लेकिन ये जो दूध है या बचा हुआ पानी कह सकते हैं आप इसे, आप चाहें तो इसे वॉश बेसिन में डाल दीजिए, मेड को दीजिए, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी इसे वॉश बेसिन में बिल्कुल न फैलाइए, क्योंकि वॉश बेसिन सिंक हमारे बंद हो जाते हैं इस चिकने दूध की वजह से। हमें क्या करना चाहिए, आइए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखिए हमें इसे रखते हैं गैस पर। इसे मुझे गैस पर रखने की सिर्फ देर थी और ये दूध फटना शुरू हो गया। चाहे तो आप ऐसे ही छान लीजिए, इसका पनीर निकल आएगा, पर मेरे हिसाब से इसमें आधा कप दूध डाल दीजिए, नॉर्मल दूध जो हमारे घर में आता है, और कुछ ड्रॉप्स नींबू का रस डाल दीजिए। अब इसे इस तरीके से चलाइए। यहाँ देखिए बिल्कुल ग्रीन पानी अलग हो गया, और ये जो भी छेना निकलेगा, जो भी पनीर निकलेगा, ये स्वादिष्ट होगा, क्योंकि हमने दूध और नींबू से इसे फाड़ दिया। अब ये पनीर आपके यूज़ का है, आप चाहे तो भुर्जी बना दीजिए या पनीर का पराठा बना दीजिए, लेकिन ये पानी अगर आप सिंक में डालेंगे तो आपकी सिंक कभी भी बंद नहीं होगी, गर्म पानी से उल्टा साफ़ हो जाएगी। ये देखिए थोड़ी देर बाद इसका पानी पूरा निकल जाएगा, आप बढ़िया से पनीर के पराठे बना सकते हैं या पनीर की भुर्जी। और ये देखिए सॉफ्ट भी बहुत है, मैं तो कई बार इसे मिक्सी में ग्राइंड करके बॉयल आलू के साथ इसके पनीर के कोफ्ते भी बनाए हैं। अब ये जो मक्खन है इसका यूज़ है तो आप यूज़ करिए फ्रिज में रखकर, पर मैं तो इसका घी निकालने जा रही हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने आपको बोला था ना कि इसे साफ करके मेहनत मत कीजिए, इसी से गरम में हम इसे चलाते रहेंगे और घी निकल जाएगा। इस तरीके से हमारी मेहनत भी बहुत कम होती है, बर्तन भी साफ रहते हैं। अब मैं आपको लास्ट में यहाँ पर एक और ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपके बर्तन और जल्दी साफ हो जाएं। यहाँ देखिए जब ये ऊपर से फूलता है तब आपकी गैस जो है बिल्कुल स्लो होनी चाहिए,
बहुत ही जल्दी जल्दी फुल गैस पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस मक्खन में से घी निकलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मलाई में से घी निकलने में कुछ वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ आपको कई बार मीडियम करना है गैस, कई बार स्लो करना है। बीच बीच में टाइम मिले तो इस तरीके से चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट मुझे चलाते रहना पड़ा और यहाँ देखिए इसमें घी निकलना शुरू हो गया, लेकिन अभी पूरा नहीं निकला है, अभी टाइम लगेगा। हमें कंटिन्यूसली इस वक्त चलाना होगा, वरना जो साफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा घी होता है ना, वो नहीं निकल पाएगा, जल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, अगर हम टोन मिल्क लेते हैं तो अपना ही नुकसान होता है, अगर हम फुल मिल्क लेते हैं, फुल क्रीम मिल्क, उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें मक्खन चाहिए तो मक्खन मिल जाता है, जब कभी हमें सब्जियों के लिए मलाई चाहिए तो मलाई मिल जाती है, और घी घर का चाहिए तो वो मिल जाता है। साथ में वेस्ट पानी से पनीर भी बन जाता है, जो हमारे यहाँ कुछ स्नैक्स में यूज हो जाए। ये देखिए, ये जो ऊपर ऊपर आने लग गया है ग्रीन कलर का, ग्रीन येलो, ये घी है। बस अब बहुत जल्द निकलेगा ये घी। अब जब झाग आई थी मैंने गैस थोड़ा स्लो कर दिया था, और अब जब झाग चली गई फिर मैंने फुल कर दिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल लाल सा घी हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट जल जाएगा, तो घी बहुत कम निकलेगा। अगर आपने जल्दी जल्दी निकाल लिया तो घी बहुत अच्छा पका हुआ नहीं निकलेगा, कई बार फंगस लग सकती है। तो इस तरीके से आपको ढंग से इसे घी को पकाना भी है और बड़े ध्यान से इसे निकालना भी है। अब जब लगे कि बिल्कुल घी अलग हो गया है, अब हम इसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक दूंगी, कभी भी इतने गरम घी को कांच के बर्तन में कभी ना निकालें। होता क्या है, कई बार ऐसा हो सकता है कि घी की वजह से बर्तन चटक जाता है। यहाँ पर एक छन्नी में आप घी को निकाल लीजिए, यहाँ इसे धीरे से बहुत ही हल्का प्रेशर दीजिए और घी जो है पूरा निकाल लीजिए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। अब देखिए, क्योंकि ये मलाई जो थी ये रखी हुई नहीं थी, अगर बहुत ज़्यादा दिनों की रखी हुई हो तब तो अलग बात है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि इसमें से भी हम घी कैसे निकालें। इसको हम डालकर कढ़ाई में पानी डालते हैं और उबालते हैं, उसे छान कर फ्रिज में रख देते हैं तो ऊपर से घी की परत निकल आती है। लेकिन ये मेरी 5 दिन की मलाई थी और ये मावा बहुत ही बढ़िया निकला है, ये बिल्कुल ब्राउन कलर का मावा है। आप घर में मिठाई में यूज़ कर सकते हो, सब्जियों में यूज़ कर सकते हो, दम आलू वगैरह बहुत ही बढ़िया रिच सब्जी बन जाएगी और इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। अब यदि आपकी कढ़ाई साफ करने में परेशानी हो तो यहाँ पर आप पानी डाल दीजिए, इसे थोड़ी देर के लिए उबाल लीजिए, गर्म गर्म पानी से कढ़ाई भी आपकी साफ होगी, सिंक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ताज़ा होता है तो कई बार गुजिया वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी हमें ये खोया यूज़ हो जाता है। यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया प्योर घी निकला है, इसे थोड़ा ठंडा हो जाए लास्ट में एक बार दोबारा छान कर इसे जार में रख सकते हैं। 2 बार छान लिया, बिल्कुल क्लियर, महीनों रखेंगे घी खराब। इसे हम हटा देंगे। तो मैं इस तरीके से घी निकालती हूँ, घी में से इतनी सारी चीज़ें निकालती हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए।